गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट रेजोनेंस एलसीआर सर्किट। इससे पहले हमने सीरीज एलसीआर पढ़ा था, जिसमें हमने एक्सएल इज ग्रेटर देन टू एक्सी वो केस हमने स्टडी किया था। आज हम लोग इसका केस नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं, जिसमें एक्सएल एंड एक्सी आर इक्वल डेट टाइप ऑफ सीरीज सर्किट इज कॉल्ड रेजोनेंस सर्किट आपके पास। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो रेजोनेंस सर्किट का मतलब ये है कि आपके पास एक R, एक L और एक C, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और इन सर्किट को हमने कनेक्ट कर दिया एक अल्टरनेट सोर्स विच है वो पोटेंशियल ऑफ वी नॉट साइन ओमेगा टी। इनमें करंट फ्लो होगा। अगर मैं तीनों एलिमेंट के रेजिस्टेंस की बात करना चाहूँ तो यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी आर, इसमें होगा एक्सएल और इसमें कितना होगा एक्सी। आप लोगों ने ये बात तो पढ़ी है कि जो आपके पास रेजिस्टेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जिस फेज में आपका क्या होगा करंट, उसी फेज में उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा। सिमिलरली अगर मैं एक्सएल की बात करूं तो जिस फेज में आई नॉट होता है उससे 90 डिग्री क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप ऑफ इंडक्टर, और एक्सी की बात करें जिस फेज में करंट होगी उससे 90 डिग्री लेग करता हुआ होगा वोल्टेज ड्रॉप ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे रेजोनेंस सर्किट का मीनिंग ये है कि आर एल सी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर इक्वल टू ईच अदर, दैट टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड रेजोनेंस सर्किट आपके पास। तो एलसीआर सीरीज इन विच इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज कॉल्ड एक्सएल एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज कॉल्ड एक्सी इज इक्वल इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये इसका रेजोनेंस का बेसिक मीनिंग है। इस रेजोनेंस सर्किट को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं कोई सिग्नल आप प्रोड्यूस करने के लिए, या जहां पर हमें बात करूं मैं चैनल की बैंडविड्थ मुझे रिक्वायरमेंट है। जैसे एक जनरल सा एग्जांपल देता हूं कि एफएम सभी लोग सुनते हैं, एफएम में बहुत सारे चैनल आते हैं। जैसे मैं जयपुर से हूं तो जयपुर के अंदर एफएम चैनल आते हैं 91.1, 93.5, 98.3, 95.5 जो भी है। अगर मैं अभी अपने पर्टिकुलर रूम में हूं तो यहां पर इन सभी सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी आ रही है, बट जैसे ही मैं अपने मोबाइल में एफएम को ऑन करता हूं तो ऑन करते टाइम क्या ऑन करते ही मेरे मोबाइल के अंदर सारे जो सिग्नल है वो कैच कर लेता है और उन सिग्नल पे जो भी सॉन्ग प्ले हो रहा है क्या वो प्ले होना स्टार्ट हो जाता है क्या? नहीं सर, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपने मोबाइल के एफएम सेटिंग में जाना होता है और वहां पे आपको एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को सेट करना होता है। जैसे आपने 91.1 फ्रिक्वेंसी को सेट कर लिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि आपके मोबाइल की फ्रिक्वेंसी है 91.1 और इस रूम में एक ऐसी फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है जो 91.1 के साथ मैच करती है। वो जब दोनों मैच हो जाएगी तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और अब 91.1 स्टूडियो पे जो सॉन्ग प्ले हो रहा होगा वो आपके मोबाइल पे भी प्ले होगा। ये क्या हुआ कि ये जो हमने एक्सटर्नल सोर्स था उसकी फ्रीक्वेंसी और हमारे मोबाइल का जो सर्किट था उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने इक्वल कर लिया आपके पास। तो इसको बोला जाता है ट्यूनिंग करना या रेजोनेंस करना। तो आपके मोबाइल में ऐसा क्या लगा हुआ है कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी को मैचअप कर लेता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस सर्किट। ये रेजोनेंस सर्किट है जिसको हम लोग यूज करते हैं वॉकी टॉकी के अंदर, सैटेलाइट के अंदर, आपके टीवी के चैनल्स की बैंडविड्थ को कैच करने के लिए, वहां सभी जगह आप इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस सर्किट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखना है। ये बात हम बोल चुके हैं कि जो आर एल सी सर्किट होगा तो उस आर एल सी सर्किट के अंदर जो आपके पास इंपीडेंस होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का क्या होल स्क्वायर। ये कहां से आया तो हमने प्रीवियस लेक्चर जो अपलोड किया है उसके अंदर हमने जेड को डिटरमाइन किया था जब सीरीज एल सी आर सर्किट था और एक्सएल ग्रेटर देन था किससे, एक्सी से। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द रेजोनेंस सर्किट, कौन सा बेटा आपके पास रेजोनेंस सर्किट अगर होगा तो एक्सएल और एक्सी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। जब एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाएंगे तो आप देखिए एक्सएल एक्सिस के बराबर है तो ये डिफरेंस इतना हो जाएगा जीरो। जैसे ही ये डिफरेंस जीरो होगा तो जेड इक्वल टू केवल क्या बच जाएगा बेटा आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है वो Z
जेड की कौन सी वैल्यू होगी? मिनिमम वैल्यू। एक्चुअली में जेड जो है वो इन दो क्वांटिटी का सम है आपके पास। अगर इनमें से एक क्वांटिटी जीरो हो जाती है तो ये अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू को ऑब्टेन कर लेगा। दैट इज कॉल्ड जेड मिनिमम इक्वल टू आर स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आर आपके पास। जेड मिनिमम आर इक्वल टू किसके हो गया बेटा? आर के। अब जेड मिनिमम हो गया तो मैं करंट की बात कर लेता हूं। तो आपने पढ़ा है कि आई आर एम एस इक्वल टू होता है वी आर एम एस अपॉन में क्या? जेड। ठीक है, आई आर एम एस इसके बराबर होता है बेटा वी आर एम एस अपॉन में जेड। अब ध्यान दीजिए यहां पे आप लोग, जेड कैसा है सर? मिनिमम है। अगर ये क्वांटिटी मिनिमम है तो इस क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिम। दैट मीन वी कैन से आई आर एम एस मैक्सिमम, आई आर एम एस मैक्सिमम इक्वल टू होता है वी आर एम एस अपॉन में क्या? जेड मिनिमम। और जेड मिनिमम किसके बराबर है बेटा? आर के। तो एक ये फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम की बात करते हैं बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे ऑब्टेन करेंगे हम लोग? तो आपने क्या पढ़ा, एक्सएल बराबर है किसके? एक्सी की। एक्सएल आर इक्वल टू एक्सी आपके पास। एक्सएल होता है बेटा ओमेगा एल और एक्सी होता है वन बाई ओमेगा सी। बट ये रेजोनेंस है इसलिए यहां पे इसको लिखा जाएगा रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये भी होगी रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ऐसा करो, ये ओमेगा आपको इधर मल्टीप्लाई कर दो, एल को अकाउंट में ले जाओ, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर डॉट ऑफ ओमेगा आर वन अकाउंट में क्या? एल सी। ये टू टाइम्स हो गया, डेट इज कॉल्ड स्क्वायर। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू वन बाई एल सी, तो ओमेगा आर हो जाएगा वन अपॉन में रूट ऑफ एल सी। इस ओमेगा आर की वैल्यू आप याद रखोगे और यहां से आपको ऑब्टेन होगी ओमेगा आर इक्वल टू होता है वन बाई रूट एल सी। हमारा टारगेट है बेटा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होती है? आपने पढ़ा है ओमेगा बराबर होता है टू पाई एफ। अगर रेजोनेंस है तो ये होगा ओमेगा आर और ये लिखी जाएगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर। मुझे इस एफ आर को ऑब्टेन करना है तो एफ आर इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा आर अपॉन में कितना? टू पाई। आपके पास एफ आर इक्वल टू क्या रहेगा? ओमेगा आर हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा? वन अपॉन में टू पाई रूट ऑफ एल सी आपके पास। तो ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो रेजोनेंस सर्किट होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो स्पेशल जो प्रॉपर्टीज हैं आपके पास वो प्रॉपर्टी क्या क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है, मैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं आपके पास, कि रेजोनेंस सर्किट वो होगा जब एक्सएल बराबर होगा किसके? एक्सी का। जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है तो जो रिएक्टेंस होता है कौन बेटा? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस होता है एक्सएल माइनस एक्सी। देखो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू आपने पुट करी है, यहाँ पे एक आर स्क्वायर और एक है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये तो है रेजिस्टेंस और ये है बेटा रिएक्टेंस आपके पास। जैसे ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। टोटल टर्म क्या है? रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस क्या होता है? एक्सएल माइनस एक्सी। और अगर आपका रेजोनेंस सर्किट है तो उस रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी आती है? जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे जेड मिनिमम होगा और वो किसके बराबर होगा? आर के। इसका मतलब इस पूरे सर्किट में एक्सएल का अमाउंट एक्सी के अमाउंट को कैंसिल आउट कर देगा, मतलब कि हमें एक्सएल और एक्सी के इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, केवल सर्किट में किसकी वैल्यू देखने को मिलेगी? रेजिस्टेंस की। और अगर सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टेंस अवेलेबल है तो सर्किट जो होगा वो कैसा बन जाएगा? सर्किट होगा सर रेजिस्टिव टाइप का। कैसा होगा? रेजिस्टिव टाइप सर्किट आपको ऑब्टेन होगा। जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस टाइप का सर्किट है तो आपने रेजिस्टेंस सर्किट को अच्छे से स्टडी किया है और वहां हमने देखा था कि जो फेज एंगल होता है या फेज एंगल फाई या फेज डिफरेंस कितना होता है? जीरो। क्योंकि रेजिस्टेंस में हम ये कहते हैं कि जिस फेज के अंदर करंट होगा उसी फेज में उसका वोल्टेज भी होगा, इसलिए इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। अगर फेज डिफरेंस जीरो है तो आपको पता है कि वोल्टेज की इक्वेशन होगी वी नॉट साइन ओमेगा टी और करंट का इक्वेशन कितना होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी।
देखिए जितने फेज में वोल्टेज है उतने ही फेज में आपकी करंट भी है, और दोनों के बीच का फेज एंगल या फेज डिफरेंस कितना है बेटा? जीरो है। सर्किट कैसा बनेगा आपके पास? रेजिस्टिव बनेगा। अब ये जो हमने रेजोनेंस सर्किट पढ़ा, इसके बेसिस के ऊपर तीन ग्राफ आपको फॉर्म करने हैं और ग्राफ की प्रॉपर्टीज को समझना है। देखो सबसे पहले जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, एक्सएल कॉमा एक्ससी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, आपने पढ़ा था कि एक्सएल प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। सर कैसे? एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, और ओमेगा को लिखते हैं बेटा 2πfL। आपके पास दिखाई दे रहा है कॉर्नर का, ठीक है। यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा एक्सएल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली जो एक्ससी होता है बेटा उसकी वैल्यू होती है 1/ωc, और ओमेगा को लिखा जाता है 2πfc। तो यहां से एक्ससी जो होगा वो फ्रीक्वेंसी के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मुझे क्या करना है, एक्सएल एक्ससी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहां पर वाई एक्सिस पे मैं एक्सएल और एक्ससी दोनों को रिप्रेजेंट करूंगा, और जो आपके पास एक्स एक्सिस है इसके ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा किसको बेटा? फ्रीक्वेंसी को। आपके पास सबसे पहले मैं एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशनशिप देखूंगा। तो ये रिलेशनशिप ये कहता है कि इनके बीच का जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ये हो गया किसका बेटा? एक्सएल का ग्राफ आपके पास। सेकेंड हम की बात करते हैं, जो आपके पास कौन है? एक्ससी है। तो एक्ससी और फ्रीक्वेंसी में जो ग्राफ है वो है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, और ये वैल्यू किसकी है? एक्ससी की। आपके पास वैल्यू है किसका ग्राफ है बेटा? एक्ससी का। अब देखिए ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट है ये, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमें एक डेटा बताता है कि इस पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सएल और एक्ससी दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। जब भी दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इसका मतलब कि वो दोनों सेम पॉइंट के ऊपर पास कर रहे हैं, इसका मतलब उस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू क्या रही होगी? इक्वल रही होगी। तो जब एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं आपके पास, एक्सएल बराबर हो एक्ससी के, जब एक्सएल बराबर हो एक्ससी के, तो कौन सा सर्किट होता है? रेजोनेंस सर्किट। और रेजोनेंस सर्किट की फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं बेटा? एफ आर, ठीक है। अब ऐसा करते हैं एफ आर से एक छोटी फ्रीक्वेंसी और एफ आर से एक बड़ी फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक स्टेटमेंट देते हैं आपको। कैसा स्टेटमेंट? मान लेते हैं यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? एफ वन है आपके पास, ठीक है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं बेटा कितनी है? एफ टू आपके पास है। अब ध्यान दीजिए मैं पहला स्टेटमेंट ये दे रहा हूं कि एट एफ आर, जब एफ आर पे होंगे तो एक्सएल बड़ा होगा एक्ससी के, और जब एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं तो सर्किट किस टाइप का होता है बेटा? रेजिस्टिव। तो सर्किट कैसा बनेगा हमारा बेटा? रेजिस्टिव फॉर्म होगा। दूसरा स्टेटमेंट है एफ वन इज लेस देन टू एफ आर। देखिए एफ वन फ्रीक्वेंसी एफ आर फ्रीक्वेंसी से छोटी है, जब एफ वन एफ आर से छोटा होगा तब सर्किट का नेचर कैसा होगा? तो यहां देखो ये कौन है? एक्सएल, और ये कौन है? एक्ससी। तो ज्यादा अमाउंट किसका है? एक्ससी का अमाउंट एक्सएल से क्या मिलेगा? बड़ा। इसका मतलब आप जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हो वो फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंट सर्किट से छोटी है, आपकी फ्रीक्वेंसी एफ वन इस कंडीशन पे एफ आर से क्या है? छोटी है, स्मॉलर है, तो एक्सएल सॉरी एक्ससी बड़ा हो जाएगा किससे? एक्सएल से। एक्ससी बड़ा हो जाएगा किससे? एक्सएल से। अगर एक्ससी एक्सएल के कंपैरिजन में बड़ा है तो जो सर्किट का टाइप होगा, सर्किट का जो टाइप होगा वो हो जाएगा बेटा कैपेसिटिव, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। जो थर्ड पोर्शन है आपके पास दैट इज व्हेन एफ टू इज ग्रेटर देन टू एफ आर। इसका मतलब आप जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हो वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। देखो ये F2 है और ये FR है, तो F2 FR से बड़ा है, ठीक है। सर्किट की बात कर लेते हैं, तो ये किसका ग्राफ का पॉइंट है? एक्ससी का। तो ये एक्ससी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एक्सएल को। देखो ये किसकी लाइन है? एक्सएल की। तो जब F2 फ्रीक्वेंसी पे आप लाई करते हो तो एक्सएल बड़ा होगा और एक्ससी क्या होगा? छोटा। तो
इस कंडीशन पे एक्सएल लार्जर टू एक्सी होगा और जो सर्किट का टाइप होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा, इंडक्टिव। सर्किट कैसा मिलेगा आपको, इंडक्टिव टाइप का सर्किट फॉर्म होगा आपके पास। तो ये जो ग्राफ है वो आपको कितनी इंफॉर्मेशन देता है बेटा, तीन इंफॉर्मेशन देता है कि जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा मतलब कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी तो सर्किट किस नेचर का होगा, रेजिस्टिव नेचर का होगा। जब गिवन फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से स्मॉलर होगी तो आपके पास सर्किट में कैपेसिटिव वैल्यू इंडक्टिव वैल्यू से बड़ी हो जाएगी और सर्किट किस नेचर का बन जाएगा, कैपेसिटिव नेचर का। जब आपके पास गिवन फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से लार्जर होगी तो वहां पर इंडक्टिव फैक्टर कैपेसिटिव फैक्टर से ज्यादा होगा और सर्किट का नेचर कैसा बन जाएगा बेटा, इंडक्टिव। एक बार इसको पॉज करें, अभी इसके दो ग्राफ और बाकी हैं जिनको हमें समझना है। कॉपी डेट ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर नेक्स्ट जो फिगर या ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, डेट इज ग्राफ बिटवीन इंपीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है बेटा किसके इसके बीच में, इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में। आप चाहो तो ग्राफ का शेप कैसा आएगा वो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, अदरवाइज इसका मैं फील देने की कोशिश करूंगा कि ग्राफ का शेप, इसका जो ग्राफ ऑब्टेन होता है बेटा वो कुछ इस टाइप का ऑब्टेन होता है। तो ये ग्राफ ऐसा क्यों आया है उस चीज को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना पड़ेगा। ध्यान दो, आपने जेड इक्वल टू क्या पढ़ा सर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, देखो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है, ये जो अंदर की वैल्यू है वो एक्सएल और एक्सी का डिफरेंस है। ये डिफरेंस चाहे से पॉजिटिव हो चाहे से डिफरेंस नेगेटिव हो, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। तो जो ये टोटल वैल्यू है ये पॉजिटिव ही आएगी, अंदर चाहे से नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये पूरा डेटा कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आपस में ऐड होंगे, ये आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो जेड जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो आर तो सर्किट का कॉन्स्टेंट रहता है, मैं ये कहना चाहता हूं अगर एक्सएल और एक्सी का डिफरेंस बढ़ता है चाहे से वो पॉजिटिव में बढ़े चाहे से नेगेटिव में बढ़े तो किसको बढ़ना पड़ेगा, जेड को भी बढ़ना पड़ेगा आपके पास। ठीक है, तो मैं पहले एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं, दैट इज एफ आर, और दो फ्रीक्वेंसी इससे छोटी ले लेता हूं एफ वन और एफ टू, और दो फ्रीक्वेंसी इससे बड़ी बता देता हूं एफ थ्री और एफ फोर, ताकि आपको ग्राफ बनाना इजी हो जाए। सबसे पहले मैं एक पॉइंट डिक्लेयर कर रहा हूं जिसके चारों तरफ मैं इसका ग्राफ फॉर्म करूंगा, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो मैं सबसे पहले बात किसकी कर रहा हूं बेटा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो मैंने बोला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक्सएल किसके बराबर हो, एक्सी के, और जब एक्सएल और एक्सी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपने पढ़ा है कि जेड की वैल्यू मिनिमम होगी और किसके बराबर होगी, आर के। तो ये जेड मैं वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं मान लेता हूं कि यहां पर जेड मिनिमम है और मुझे जेड मिनिमम ऑब्टेन होगा कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेटा, एफ आर के ऊपर, क्योंकि यहां पर जो जेड मिनिमम है वो बराबर होता है किसके, रेजिस्टेंस के। तो एक पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया। ठीक है, अब देखो मैं एफ टू फ्रीक्वेंसी पे आता हूं, तो अब जो मैं फ्रीक्वेंसी दूंगा एफ टू वो एफ आर से क्या होगी, थोड़ी छोटी है भाई, एफ टू का अमाउंट एफ आर से तो क्या होगा, छोटा होगा आपके पास। आपने पढ़ा है कि एक्सएल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है और एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये देखो मैंने यहां पर डिक्लेयर भी किया आपके पास। ठीक है, मैं रेजोनेंस की बात कर लेता हूं, तो ये मेरा थोड़ा यहां लिख लेते हैं, ये मेरा रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस का मतलब कि सर जी ये रहा रेजोनेंस, ऐसा समझ लेना ये रेजोनेंस की लाइन है, मतलब कि रेजोनेंस की लाइन पे एक्सएल और एक्सी दोनों सेम लेवल पे होंगे, दोनों कहां होंगे, सेम लेवल पे। अब मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर दो, फ्रीक्वेंसी क्या कर दो, कम फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो एक्सएल क्या होगा, डिक्रीज, मतलब एक्सएल जो पहले इतनी हाइट पे था वो नीचे आ जाएगा थोड़ा, पर एक्सएल यहां आ गया जब आपने फ्रीक्वेंसी नंबर टू दे रखी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी
कम करी है, फ्रीक्वेंसी कम करोगे, ये कम करोगे तो एक्स ही क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब एक्स ही अपने लेवल से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो ये एक्स ही है, एक्स ही टू आपके पास, ठीक है। देखो जब रेजोनेंस था तो एक्सएल और एक्स ही दोनों सेम लेवल पे थे और इनका डिफरेंस कितना, जीरो। मैंने कहा ये दोनों सेम लेवल पे है, इनकी हाइट में डिफरेंस कितना, जीरो। बट अब क्या हुआ, एक्स ही ऊपर चला गया और एक्सएल नीचे चला गया, तो क्या अब इनकी हाइट के बीच में कुछ डिफरेंस आ गया क्या? यस। तो सर जी इनके हाइट के बीच का ये डिफरेंस आ गया, मतलब कि एक्सएल और एक्सी के बीच में कुछ डिफरेंस आया। एक्सएल और एक्सी के बीच का डिफरेंस बढ़ गया रेजोनेंस के कंपटीशन में, क्योंकि रेजोनेंस में तो ये डिफरेंस कितना था, जीरो। रेजोनेंस के कंपैरिजन में ये डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ गया। जब डिफरेंस बढ़ता है तो जेड की वैल्यू बढ़ जाती है, इसका मतलब F2 के ऊपर Z बढ़ चुका होगा और मान लो यहां तक आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा F1 जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 से भी छोटी है, इसका मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी और कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो XL की वैल्यू और डिक्रीज होगी, इसका मतलब अभी तो यहां तक आया था ये डिक्रीज होके, अब ये और नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा XL L1 आपके। अब बात करते हैं F1 फ्रीक्वेंसी पर XC का बिहेवियर कैसा होगा। तो जब फ्रीक्वेंसी F1 है जिसको हमने और डिक्रीज किया, भाई इसके रेस्पेक्ट में तो ये कम ही हुआ और ज्यादा, तो XC अब और ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब कि XC बढ़ जाएगा, XC1 आपके पास हो गया। अब देखिए यहां पर XL1 और XC1 का ये जो डिफरेंस है, भाई XL माइनस XC का क्या निकालना चाहते हैं लोग, डिफरेंस। ये डिफरेंस पहले के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, बढ़ गया, तो हमने बोला डिफरेंस बढ़ा, ये डिफरेंस बढ़ा तो जेड की वैल्यू और बढ़ेगी, मतलब एफ वन पर जेड और ज्यादा होगा। यहां से यहां कर्व के रूप में चलोगे तो ऐसा कुछ कर्व आ गया। ये तो आपने बिफोर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कर्व बनवाया, अब आफ्टर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाना हो तो कैसे बनेगा। फिर से मैं एक लाइन ले लेता हूं, रेफरेंस लाइन, एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर है, मतलब कौन सा सर्किट है, रेजोनेंस सर्किट है। आपने पढ़ा एक्सएल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है और एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी। बात करते हैं एफ थ्री फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ आर से ज्यादा है, मतलब आप फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सएल बढ़ेगा। अब एक्सएल बढ़ रहा है, मतलब एक्सएल जो पहले यहां था वो बढ़ के यहां हो गया, ये हो गया एक्सएल थ्री आपके पास। अब XC के साथ क्या होगा, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, मैं F3 फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई तो XC क्या होगा, कम, मतलब XC का लेवल डिक्रीज होगा, जो XC पहले यहां था वो डिक्रीज होके यहां हो गया XC3 आपके पास। लेकिन ध्यान दो रेजोनेंस पे तो दोनों सेम लेवल पे थे तो इनका डिफरेंस जीरो था। अब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से XL ऊपर चला गया, XC नीचे चला गया, तो इनके बीच का डिफरेंस कुछ बढ़ गया। डिफरेंस बढ़ गया तो रेजोनेंस पे तो डिफरेंस जीरो था, रेजोनेंस पे डिफरेंस जीरो था तो जेड मिनिमम था। अब ये डिफरेंस मैंने कहा था पॉजिटिव में बढ़े या नेगेटिव में बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता, होगा क्या, जैसे ही डिफरेंस बढ़ेगा तो जेड की वैल्यू बढ़ने वाली है, भाई ये डिफरेंस बढ़ेगा तो ये अमाउंट बढ़ने वाला है, एफ थ्री के ऊपर जेड फिर से बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया। एफ फोर की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी एफ फोर एफ थ्री से क्या है, ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी एक स्टेप बढ़ाओगे तो एक्सएल भी एक स्टेप बढ़ जाएगा, मतलब कि अब एक्सएल थ्री और ऊपर चला जाएगा। फ्रीक्वेंसी एक स्टेप बढ़ाओगे तो एक्ससी एक स्टेप कम हो जाना है, मतलब कि एक्ससी फोर बेटा फोर है, ये एक स्टेप कहां आ गया, नीचे। लेकिन इन दोनों के ओवरऑल डिफरेंस में क्या होगा, इंक्रीमेंट, मतलब कि ये डिफरेंस और ज्यादा बढ़ेगा तो जेड की वैल्यू भी बढ़ेगी और जेड का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो आपने देखा कि जो जेड का ग्राफ आता है वो यू शेप का आपके पास आता है। ये आपसे पूछेगा कोई नहीं कि कौन बड़ा कौन कम हुआ, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि जेड और फ्रीक्वेंसी के बीच में ऐसा ग्राफ क्यों ओपन हुआ, क्योंकि आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा बैंडविड्थ, तो इस बैंडविड्थ में फिर से मैं इस ग्राफ को डिस्कस करने वाला हूं आपके पास, ठीक है। तो ये तो सेकेंड नंबर ग्राफ जो हमें पढ़ना था, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, समझने के लिए वाला पोर्शन आप अपने रफ पार्ट में नॉलेज के लिए लिख सकते हो। नेक्स्ट हम देखें जो हमें ड्रॉ करना है बेटा, करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ आपके पास, तो वो ग्राफ किस टाइप का होगा,
सेकंड नंबर का ग्राफ है करंट एंड फ्रीक्वेंसी। तो इस एक्सिस पे मैं करंट को रिप्रेजेंट करूंगा और यहां मैं फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करूंगा। ध्यान दें, करंट और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली है। एक दूसरे क्या बेटा, इनवर्सली। इसका मतलब जब जेड ज्यादा होगा तो करंट कम होगी, कंफर्म है। तो करंट और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ आता है, यहां सीधा यू आएगा, वहां आपको उल्टा यू देखने को मिलेगा, सही है। और ये होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर। एफ आर के ऊपर जेड मिनिमम होता है जो बराबर होता है आर के। आपको पता है जेड मिनिमम होगा तो करंट कैसी होगी सर, मैक्सिमम। ये होगी आई आर एम एस की कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास होगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस टाइप का आएगा। आप चाहो तो इसको भी देख के बना सकते हो। देखो सीधी सी बात कहता है, फ्रीक्वेंसी लो एफ वन एफ टू एफ थ्री और एफ फोर आपके पास, ठीक है। देखो एफ वन फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंपीडेंस सबसे ज्यादा, जेड सबसे ज्यादा, करंट सबसे कम। देखो करंट की वैल्यू सबसे कम है, फिर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे जेड कम होगा, जेड कम होगा, जेड की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो करंट देखो एफ टू पे बढ़ गया, फिर रेजोनेंस के ऊपर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जेड मिनिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम, करंट क्या हो गई, मैक्सिमम। फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इंपीडेंस बढ़ने लगेगा, करंट कम होने लगेगी। फ्रीक्वेंसी एफ फोर के ऊपर इंपीडेंस और ज्यादा बढ़ेगा, करंट और ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये आपके पास इंपीडेंस और करंट के बीच में हमने क्या बनाया, ग्राफ। ये तीनों ग्राफ इंपोर्टेंट है आपके पास, और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ये बातें याद रखना, क्योंकि आपके जो पीछे के ऑब्जेक्टिव है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आपके काम आते हैं। वो कह देता है सर्किट है, उस सर्किट में एक्सएल एक्सिस से बड़ा है, तो बताओ सर्किट का नेचर कैसा है आपके पास, वो वैल्यू देके आपसे पूछ लेगा। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड सर्किल में शेयर करें बेटा। सब्सक्राइब करना कभी ना भूले। थैंक यू।